अपना उद्धार चाहते हो, अकेले कथा सुनने के लिए चले जाते हो, प्रहलादपुर में होवे लेकर नहीं जाते हो। बोले बाबा कहने लगे बस इतनी बात में रूठी गई, चलो कोई बात ना, कल कथा सुनने के लिए चलेंगे तो तुम भी मेरे साथ में चलना। अब गोस्वामी जी ने एक बार क्यों लिख दिया, क्योंकि भोले बाबा तो बार बार गए और सती जी के साथ एक ही बार गए, और जब सती जी साथ में भोले बाबा के संतों ने देखा दूर से कुश का आसन डाल दिया और लेके आरती भोले बाबा की, महात्मा सोचने लगे पैसे दत्ता औत्या तो संग में अम्मा आई गई। आओ भाग भाई, आओ भाग, रो तो दत्ता औत्या तो अम्मा संग में आई, सो महात्मा लोग बड़े खुश हो गए, आरती करने लगे हैं। गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिखी, क्या आरती करने लगे, भोले बाबा और मैया की औ संतों ने करी आरती है, कभी चोरी खड़े सब हुई गए हैं, कर रहे दोनों की स्तुति, हुकुमलाल जी की तरफ से एक सूत्र दान आते भगवान शिव मंगल कामना भोले बाबा भंडार को भरते रहे। संग सती जग जननी भवानी, गोस्वामी जी लिखते संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जा, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर यानी अलख निरंजन, आ तो भोले बाबा और सती जी आए, आसन लगा दिया और वहां पर भगवान की कथा चल रही थी। अब सती जी बड़े समझने की बात है, अब सती जी बैठ गई भोले बाबा के पास में कथा सुनने लगी।